नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान को कभी भी खुशी नहीं दिखाई देती। इसे इंसान की उदासी, नुकसान या ऐसे गुस्से के रूप में समझा जा सकता है जिससे किसी इंसान की रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देशों में डिप्रेशन बेहद सामान्य समस्या है। भारतीय युवाओं में तेजी से डिप्रेशन के मामले देखने में आ रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार 13 से 15 साल की उम्र के मध्य का हर 4 में से एक किशोर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। किशोरावस्था में डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी भीड़ उन्हीं को देखकर हंस रही है। भारत में किशोरावस्था में डिप्रेशन के मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी तमाम वजह हो सकती है, जैसे माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, शिक्षा और रोजगार का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं और अपने लुक्स से संतुष्ट न होना, अकेलापन इत्यादि। वहीं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का अनुमान है कि 8.1% अमेरिकी युवा जिनकी उम्र 20 साल या आसपास है, वो साल 2013 से 2016 के बीच में औसतन 2 हफ्ते तक डिप्रेशन की चपेट में रहे हैं। इसीलिए हम आपको डिप्रेशन क्या है, इसके कारण, लक्षण, प्रकार और उपचार के बारे में जानकारी देंगे। इसको पढ़ने के बाद आप डिप्रेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान जाएंगे। अवसाद या डिप्रेशन का संबंध मनोविज्ञान में मन की भावनाओं से जुड़े दुखों से होता है। इसे रोग या सिंड्रोम माना जाता है। अधिकतर मामलों में स्थिति तब ज्यादा गंभीर समझी जाती है जब इसका संबंध किसी शख्स के असफल प्रेम संबंधों से होता है। डिप्रेशन के ज्यादातर मामलों में किसी इंसान का लगाव उसके जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा होता है। उसके वियोग या बिछोह होने पर उपजने वाले डिप्रेशन में मरीज खुद को लाचार और निराश महसूस करता है। डिप्रेशन के शिकार इंसान के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि संबंध भी बेमानी होने लगते हैं। वो इंसान संबंधों में बेईमानी का उत्तर अपने उग्र स्वभाव, गाली गलौज व अत्यधिक शंकालु स्वभाव से देने की कोशिश करता है। डिप्रेशन के दौरान उसे सभी जगह निराशा, तनाव, अशांति और अरुचि की मौजूदगी समझ आने लगती है। हालांकि लोगों को डिप्रेशन का अनुभव कई अलग तरीकों से हो सकता है। ये आपके रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। ये आपके रिश्तों और कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर भी असर डाल सकता है। डिप्रेशन के कुछ मामलों में तो ये भी पाया गया है कि समस्या बढ़कर इंसान को किसी खास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज बना देती है। इंसान के भीतर खुद को सताया दिखाने की प्रबल इच्छा होने लगती है। ये स्थिति अगर समय पर उपचार से ठीक न की गई तो इंसान खुद को सताया हुआ दिखाने के लिए खुद को ही नुकसान पहुंचाने की हद तक जा सकता है। ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हर कोई कभी ना कभी दुखी और उदास महसूस करता है, लेकिन अगर आप लगातार दुख और निराशा का अनुभव कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन को गंभीर मेडिकल समस्या माना जाता है। सही इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन का सही ट्रीटमेंट लेने पर कुछ ही हफ्तों में इससे राहत मिलते हुए भी देखी गई है। चलिए बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षण के बारे में। डिप्रेशन लगातार उदास या हताश महसूस करते रहने की अवस्था है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो डिप्रेशन की वजह से कई लक्षण प्रकट होने की संभावना रहती है। इन लक्षणों में से कुछ आपके मूड को प्रभावित करते हैं तो कुछ आपके शरीर को। इसके अलावा लक्षणों में भी स्थिरता नहीं होती है, वो कभी कभी आते हैं और फिर चले जाते हैं। डिप्रेशन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है, लेकिन डिप्रेशन के सामान्य कारणों में कुछ कारण शामिल हैं। नंबर 1, पारिवारिक इतिहास। आप में डिप्रेशन के विकसित होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन की समस्या रही हो। डिप्रेशन के अलावा मूड से जुड़ा कोई अन्य डिसऑर्डर होने पर भी आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री वाले डिप्रेशन में कई बार माता या पिता के परिवार से आने वाला डिप्रेशन इंसान की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। अगर ये भी हो तो इसके चांस होते हैं कि तनावग्रस्त माहौल में पलने बढ़ने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों तक भी ये सारी समस्याएं ट्रांसफर कर देते हैं, भले ही ये अनजाने में क्यों ना किया गया हो। नंबर 2, बचपन में सदमा लगने पर।
बचपन में घटने वाली कुछ घटनाओं का कई बार बच्चों के कोमल मन पर गहरा असर पड़ता है। कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया में शरीर में डर की भावना बैठ जाती है और मन थोड़े से तनाव को झेल पाने में भी नाकाम होने लगता है। नंबर 3, दिमागी संरचना। अगर आपके दिमाग के सामने का हिस्सा कम सक्रिय है तो आपको डिप्रेशन होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा सके हैं कि दिमाग में ये परिवर्तन डिप्रेशन होने के बाद होते हैं या पहले हो जाते हैं। नंबर 4, मेडिकल कंडीशन। कुछ खास बीमारियों के कारण आपको भी डिप्रेशन की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, ड्रग्स का सेवन। अगर किसी को ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन की लत रही है तो उसे भी डिप्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। हम आपको डिप्रेशन के अन्य कारण के बारे में बताते हैं। बहुत से लोगों को कभी ये पता नहीं चल पाता है कि उन्हें होने वाले डिप्रेशन की वजह आखिर क्या है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 30% के आसपास है जिन्हें आंशिक रूप से डिप्रेशन की समस्या है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कौन इसे विकसित करता है और कौन नहीं, डिप्रेशन के कारण ज्यादातर आपके स्वास्थ्य के दूसरे कारकों से जुड़े रहते हैं। डिप्रेशन को लक्षणों की गंभीरता के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों को हल्के और अस्थायी किस्म के डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है तो कुछ लोगों को गंभीर और लगातार तकलीफ देने वाले सिलसिलेवार डिप्रेशन का अनुभव करना पड़ता है। डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक को क्लिनिक में इस बीमारी का पता लगाने के लिए मरीज के साथ कई बार काउंसलिंग करनी पड़ सकती है। डिप्रेशन के साथ जीना काफी कठिन हो सकता है, लेकिन इसका उपचार करने से आपके जीवन की क्वालिटी सुधर सकती है। इसके लिए आप डॉक्टर से बात करके हर संभव विकल्प के बारे में बात कर सकते हैं। आप आसानी से किसी एक ट्रीटमेंट की मदद से लक्षण के आधार पर सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं, या आप 2 या 2 से ज्यादा ट्रीटमेंट भी एक साथ ले सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज में 2 या उससे अधिक लाइफस्टाइल थेरेपी को शामिल करना सामान्य बात है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो आप नेगेटिव भावनाओं को खुद से दूर रखने का स्किल्स सीख सकते हैं। साइकोथेरेपी की बात करके आप नेगेटिव भावनाओं को खुद से दूर रखने की स्किल्स को सीख सकते हैं। आप परिवार और ग्रुप थेरेपी सेशन में शामिल होकर भी खुद को लाभ पहुंचा सकते हैं। लाइट थेरेपी, सफेद रंग की रोशनी में खुद को रखने भर से आप न सिर्फ अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं बल्कि डिप्रेशन के लक्षणों से भी राहत पा सकते हैं। ये थेरेपी आमतौर पर सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। वैकल्पिक थेरेपी, अपने डॉक्टर से दवाओं के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे फिश ऑयल भी डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। हमारी सलाह यही है कि कोई भी सप्लीमेंट लेने या खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। कई बार हमारे द्वारा खाए गए सप्लीमेंट दवाओं के साथ मिलकर नकारात्मक असर दिखाते हैं। इससे कई बार डिप्रेशन ठीक होने के बजाय और गंभीर हो जाता है या फिर दवाओं के असर को कमजोर कर देता है। एक्सरसाइज, हफ्ते में 3 से 5 दिन 30 मिनट तक कसरत करने का लक्ष्य रखें। एक्सरसाइज से शरीर में एंडोर्फिन्स का उत्पादन बढ़ जाता है। ये वो हार्मोन्स हैं जो आपके मूड को ठीक रखने में मदद करते हैं। अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन से बचें। शराब पीना या ड्रग्स लेने से आप थोड़ी देर के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त में शरीर पर इनका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। ये चीजें मिलकर आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को और खराब कर सकती हैं। कई बार डिप्रेशन दवाओं से ठीक नहीं होता है। अगर आपके लक्षणों में सुधार नहीं दिखता है तो आपका डॉक्टर आपको दूसरा ट्रीटमेंट को अपनाने की सलाह दे सकता है। डिप्रेशन अस्थायी भी हो सकता है और ये लंबे समय तक चलने वाली चुनौती भी हो सकती है। हमेशा ट्रीटमेंट से ही डिप्रेशन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन ट्रीटमेंट से अन्य लक्षणों को कम, नियंत्रित या सुधारा जा सकता है। डिप्रेशन के लक्षणों के कारगर उपचार के लिए जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह से आप दवाओं और थेरेपी के सही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। अगर किसी ट्रीटमेंट से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर की सलाह पर दूसरे ट्रीटमेंट को अपनाकर बेहतर नतीजे पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने WhatsApp स्टेटस और Facebook स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने कुछ सजेशंस भी आप हमको दे सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस हम और बेहतर बना सकें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।